विश्व थैलेसीमिया दिवस आज। रोग के खात्मे के लिए जागरूकता जरूरी। रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोग आए आगे। आज थैलेसीमिया डे है और देश में लाखों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में ब्लड की कमी होने से ऐसे मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। इस रोग के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन का असामान्य प्रोडक्शन होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लो के साथ बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी संख्या कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन के साथ ही खून की भी कमी होती है और ऐसे मरीजों को बार बार ब्लड की आवश्यकता रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश भर में ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, उससे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित लोगों को काफी फायदा मिला है। थैलेसीमिया के लक्षण ये होते हैं कि अक्सर थकान महसूस होती है और कमजोरी महसूस होती है। शरीर का रंग पीला पड़ता है। चेहरे की हड्डियों के आकार में गड़बड़ी होती है। पेट के हिस्से में अक्सर सूजन बने रहना। शरीर के विकास में रुकावट और गहरे रंग का यूरिन आना। वहीं थैलेसीमिया, आपको बता दें, दो प्रकार का होता है, मेजर थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया ये उन बच्चों को होता है जिनके माता और पिता दोनों के जीन्स में गड़बड़ी होती है। यदि माता और पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो होने वाले बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने का खतरा अधिक रहता है। माइनर थैलेसीमिया ये बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन्स माता या पिता द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से पीड़ित थैलेसीमिया के रोगियों में अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आता। ये रोगी थैलेसीमिया वाहक होते हैं। थैलेसीमिया का इलाज करने के लिए नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत होती है। कुछ रोगियों को हर 10 से 15 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है। सामान्यतः पीड़ित बच्चे की मृत्यु 12 से 15 वर्ष की आयु में हो जाती है। सही उपचार लेने पर 25 वर्ष से ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इस बीमारी से पीड़ित रोगियों को विटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स और संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है, जबकि गंभीर हालत में खून बदलने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को हर साल औसतन 10 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ती है। पीड़ित को महीने या फिर 1.5 महीने के अंतराल में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा नहीं होने पर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इलाज और रक्त चढ़ाने के बाद ही उसकी स्थिति में सुधार होता है। रक्त की इतनी आवश्यकता की पूर्ति निकट संबंधी तक नहीं कर पाते, ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता उनके लिए जीवनदाता साबित होते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से मिली जानकारी के अनुसार SMS में हर रोज 40 से 50 थैलेसीमिया रोग से पीड़ित मरीजों को ब्लड की आवश्यकता रहती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान के लिए आगे आए, ताकि इस गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों को जीवनदान मिलता रहे। हमारे समाज में, खासकर हिंदू धर्म में, शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, मगर यदि हमें बच्चों को थैलेसीमिया होने से बचाना है तो लड़का और लड़की की स्वास्थ्य कुंडली मिलाया जाना बेहद जरूरी है, जिससे पता चल सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं।